स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं जो लेसन हमारा चल रहा है बिजनेस एनवायरमेंट, उसके अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बेटा, इससे पहले क्या था कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी वीक हो गई थी, पुअर हो गई थी। जो स्मॉल इंडस्ट्री लेवल की इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म हो जा रही थी। वो जो हाई स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोग अप तो हो रही थी, मगर उसका देश को फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। तो बेटा, तब सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई 1991 में, जिससे हमारी इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन आ गया। हमारे ट्रेड के अंदर, हमारे इंपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। जी, किसने शुरू किया था? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था। तब तो इसके अंदर तीन बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन फैसले लिए गए। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ देश को? पहले बात आती लिबरलाइजेशन से। लिबरल मुक्त कर देना, फ्री कर देना, लिबरल कर देना, किससे? हमारे ट्रेड को, हमारा ट्रेड को फ्री कर दिया कि जितना मर्जी प्राइस फिक्स कर सकते हो आप। ये नहीं कि 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, केवल होता ना गवर्नमेंट्स गुड्स हम परचेज करते हैं, गवर्नमेंट्स को जो गुड्स बुक्स पब्लिश करवाती है हम वो परचेज करते हैं ज़्यादा, कि वो सस्ती होंगी। मगर अब फिर इसका फ़ायदा तो बाकी जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, उनको नहीं हो रहा था। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि फिक्स कर दिया प्राइस 50 रुपये, मान लो तो 50 रुपये के अंदर अंदर कुछ भी प्राइस लगा सकते हैं, उनकी मर्जी, प्रोड्यूसर्स की, उनकी विषय, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। तो उनको लिबरल कर दिया। लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट को भी एक्सपोर्ट को भी लिबरल बना दिया। जितना भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो हटा दी गई या लेस कर दी गई, कम कर दी गई। जो कोटा सिस्टम वगैरह लगा रखा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो ख़त्म कर दिया गया। अब फ्रीली हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लिबरल कर दिया एक्सपोर्ट को, इम्पोर्ट को। अब प्राइवेटिज्म में क्या हो गया कि सरकार ने क्या किया, ज़्यादातर हिस्सा जो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज का प्राइवेट के हाथों में दे दिया। कुछ डिपार्टमेंट्स रखे अपने हाथों में, ज़्यादातर प्राइवेट को दे दिया कि आप लोग अपने फर्म इंडस्ट्रीज को चलाओगे। उसके अंदर क्या किया उसने, डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी आपने पैसा लगा रखा है अपना बिजनेस के अंदर, उसको अपनी इंडस्ट्रीज का बेच सकते हो, दोबारा से रिन्यू कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ये नहीं कि आप प्राइवेट तरीके से चलते जाओगे। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, उनको पूरा ओनर बना दिया। इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी सरकार, वो पूरे अपने बिजनेस के ओनर। सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसका BIFR बोलते हैं। सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल को, फाइनेंस को फिर से दोबारा से रीबिल्ड किया गया। जो उसने कमी पेशियां थी उसको दूर करके नए सिरे से बनाया, जिससे सब कुछ प्राइवेट हो जाए। अब एक डिफेंस और रेलवे को छोड़कर बाकी सारा कुछ उसने प्राइवेट के हाथों में दे दिया, जिससे कि जो देश की सरकार है वो भी बढ़े और जो बाकी नजरिस्ट हैं वो भी आगे आए अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ बेटा, ग्लोबलाइजेशन पूरा वर्ल्ड एक कर दिया। अब हम वर्ल्ड में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसके लिए, ट्रेड के लिए। फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, सब में बराबरी कर दी। अब सब कुछ हर कोई हमारे देश की आप में आपका व्यापार कर सकता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। इसके अंदर बेटा आया एबलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, टैक्स वगैरह सब कम कर दिए, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इम्पोर्ट बढ़े, हमारा टैक्स वगैरह कम करने का मेन था कि हम लोग कहीं भी फ्रीली ईजीली, यदि हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर वो ना चेंज करता, हमारी गुड्स महंगी हो जाती हैं, फिर डिमांड नहीं उस देश के अंदर होती, फिर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ये सब कुछ चेंज किया गया। और ये सब के बेटा मीनिंग पढ़ के मैंने इसका समझाया कि इसके अंदर क्या है, और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है, या खुद करोगे बुक से। ओके, इसको अंडरस्टैंड करोगे।